SN Live सच सबसे आगे। सिवान में बंदर ने दो दिनों में आधा दर्जन लोगों को काट कर किया घायल। बंदर के आतंक से लोग हुए परेशान। बड़हरिया प्रखंड के सदरपुर में गुरुवार व शुक्रवार को बंदर ने करीब आधा दर्जन लोगों को काट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का उपचार स्थानीय अस्पताल में कराया गया। बंदर के आतंक से सदरपुर समेत आसपास गांव के लोगों में भी दहशत का माहौल है। घायलों में पूर्णिमा कुमारी, केशवर भगत, प्रेमचंद भगत, खुशी कुमारी, सपना कुमारी आधा दर्जन लोग शामिल है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम गुरुवार को पहुंच बंदर को पकड़ने का प्रयास की लेकिन असफल रही। शाम होने के कारण टीम जाल बिछाकर चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की टीम आई थी। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बंदर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पैसे की भी मांग कर रही थी। ग्रामीणों ने कहा कि यदि दोबारा बंदर द्वारा गाँव के लोगों का शिकार बनाया गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। सिवान से एसएन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने